ये जो ऊंची इमारतें आप देख रहे हैं ये कब गिर जाए आपको नहीं पता, इसके अंदर जितने लोग रह रहे हैं कब ये घर उनके लिए कब्रिस्तान बन जाए ये भी नहीं पता। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त गाजियाबाद के मसूरी इलाके से, जहाँ पर आपने सुना होगा कि कैसे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग जो कि 5 मंजिला थी वो अचानक से ढह जाती है। 5 मंजिला बिल्डिंग यहाँ बनाने की इजाजत ही नहीं है, फिर भी ये कैसे बन रही थी? प्रशासन की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, बिल्डर्स है, वो सब कुछ करते आते हैं और किसी को सुध नहीं होती। आज का हमारा सवाल आखिर यही है कि दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों को मर्डर का लाइसेंस आखिर किसने दिया, और ये ऊंची ऊंची इमारतों के मलबों में कब तक बनता रहेगा कब्रिस्तान? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम मेहमान है, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों से बात करना चाहती हूँ। किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं और कब आपको लगा कि आप एकदम ठगे गए हैं? 3 साल से हम लोग रह रहे हैं, 3 साल से हमें लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, ना तो पानी का निकाल है, ना रोड बन रही है, और बिल्डिंग है ना न्यू में पानी भरा जाता है और सीलन काफी आ रही है, फर्श जो है वो दब चुके हैं और फट जाते हैं। लगता है ऐसा कि कभी भी गिर जाएगा? हाँ जी, ऐसा ही लगता है। ऐसा क्यों लगता है? दरारें आ रही है, पानी का निकास नहीं है, पानी सारा नीम में जा रहा है, नीचे नीचे दीवार में सब नीचे जा रहा है, पानी का निकास। बिल्डिंग गिरी है तो यहाँ हमारी बिल्डिंग में कंपन हुआ है, हम लोगों ने महसूस किया है। वहाँ पर घर आपका, घर इनका यहाँ पर है, और जो बिल्डिंग गिरी है वो उधर की तरफ गिरी है। अब आप सोचिए इतनी दूरी पर भी इनको कंपन महसूस हुआ। पानी सारा नहीं जा रहा है, पानी का निकासी, रोड और पानी का निकास चाहिए हमें। पानी की निकासी हम लोग को चाहिए, ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो, रोड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमें ये देखिए, हमारा तो गिरने ही वाला हो रहा है, ऐसी हालत हो रही है। देखिए आप जाके पानी भरा हुआ है और सारा खोखला हो रहा है। कब से रह रही हैं? हमें पौने तीन साल हो गए। आप बताइए। हमें भी 3 साल हो गए, पौने 3 साल हो गए। दिक्कतें क्या है? वही दिक्कत है, सबसे पहले बिल्डिंग हमारी बनी हुई है, पानी की दिक्कत। आप लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तभी से लग रहा है आपको कि ये मकान गिर सकता है? कभी बोला तभी से लग रहा है। ना तो पानी की निकासी है, ना रोड बनी हुई, पानी भरा ही रहता है। एक ही बारिश में देखिए क्या हाल है। तो प्रसन्नजीत वगैरह के जिसकी बिल्डिंग गिरी है असली है, वही लोग है, मनोज प्रसन्नजीत, ये सारे मिलके ही बनाते हैं। ये सारे बिल्डर सब एक ही हैं, अभी कभी वो अलग हो गया, कभी वो अलग हो गया, सब ऐसे मिलजुल के बना रहे हैं यहाँ पे, जो भी बना रहे हैं। नाम पूछे बिल्डर का, कोई तो नाम होगा। मनोज है, एक मनोज है, केवी सिंह है, ओमिंदा है, ये है सारे। हाँ आजकल ये लोग, हमें नहीं पता जी कहाँ है सब। आज बिल्डिंग ढह गई तो आज सब आते हैं। पहले से सुरक्षा क्यों नहीं की गई? यहाँ नालियों में पानी भरा पड़ा है, कैसे कैसे लोग गंदगी में रह रहे हैं। पहले से केबी सिंह है, मनोज, आप लोगों ने खरीदा तो तब नहीं देखा ये सब? तब ऐसा नहीं था, तब ऐसा नहीं। क्या झूठ बोला? सारे 4 दीवारी देंगे, घर का गेट लगा देंगे, रोड बना देंगे। उन्होंने बोला था अच्छी तरह नालियाँ और रोड सब कम्प्लीट मिलेगी आप लोगों को। यही है जो उनसे बताए, सभी ने बाहर से यही बोला गया था कि जब आप ले लेंगे 2 महीने बाद यहाँ काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन रहते रहते 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा जी हैं, उदित मोहन है बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले तो मैं उदित मोहन जी आपसे जानना चाहती हूँ, सामने सामने सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर 3 मंजिल से ज्यादा मकान बनने की इजाजत नहीं है, 5 मंजिला थी वो जो कि निर्माणाधीन थी गिर गई, एक बारिश भी नहीं जो है ना झेल पाई, ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे होता। हम क्या इंतजार करते कि जब तक कुछ होगा नहीं, जब तक कोई मकान ढहेगा नहीं, जब तक लोग मर नहीं जाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे? मैं भी स्थानीय निवासी हूँ यहाँ गाजियाबाद का, और मेरा ये मानना है कि ये बिल्डिंग एक दिन में खड़ी नहीं हो जाती। आज 12-12 साल के यहाँ निर्माण हो गए, और स्थानीय प्रशासन को जो सीधा अब सरकार से मिल रहा है निर्देश कि तो बीजेपी की है, इस समय पूरी तरीके से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। अब की जा रही है ना, जब गिर जाती है बिल्डिंग, जब बिल्डिंग गिर जाती है, आप लोग भी ऑपोजिशन करते हैं, अपने आप को ऑपोजिशन कहता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आप लोगों को भी तो दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। मैडम देखिए, ये गरीब आदमी यहाँ है, मूलभूत सुविधाओं, जब तक बेसिक सुविधाएं, नाली, पानी, सीवर, बिजली, ये धोखा दिखा के ठगी करके कुछ बिल्डर्सों ने इन गरीब लोगों को यहाँ ठगा है, इन छोटे लोगों को तो मर गए, वो दिखते क्यों नहीं? और कई लोग मर चुके हैं। एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात, हमारे ही रिपोर्टर ने हमें बता दी कि जी 5 मंजिला इमारत यहाँ पर नहीं नहीं बन सकती, ये क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था? सब लोग अपने आप को लोकल कह रहे हो आप लोग। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 12 जुलाई को GDA की तरफ से नोटिस दिया गया था ध्वस्तीकरण के लिए, इस बिल्डिंग के लिए,
लेकिन प्रशासन का इतना लचर रवैया रहा, इतना उदासीन रवैया रहा कि 21 तारीख तक इस बिल्डिंग को ना तो ध्वस्तीकरण किया गया। बोलो, 3 साल से रह रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी यहाँ पे तब? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में नियमों के मुताबिक जो भी काम हुआ था, जो भी प्रक्रिया हुई थी, वो नियमों कुछ नहीं हुआ नियमों के हिसाब से। ए के मिश्रा जी, सोशल इंटेलेक्चुअल हमारे साथ। सर, ये क्यों होता है? क्या आपको समझ आ रहा है इनकी बातें सुन के, ये क्यों हो रहा है? मैम देखिए, ये क्या है, ये सारे नेता लोग नेतागिरी कर रहे हैं। 3 लेयर में एनालिसिस होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि देखिए, आर्किटेक्चरल और टेक्निकल जो मिस्टेक है, अंगूठा छाप लोगों को आप बिल्डिंग बनाने की इजाजत और सर्टिफिकेट दे देते हो, तो जो बिल्डर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है बहुत जरूरी है, उनको कुछ पता ही नहीं तो बिल्डिंग ऐसे ही बनेगी। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है GDA वगैरह का कि रेगुलर जाके ऐसी बिल्डिंग की चेकिंग करते रहना, लिस्टिंग करते रहना। आप जाके उनके रोस्टर उठाइए, जिस हिसाब से मीटर वगैरह की रेगुलर चेकिंग होती है, हर डिपार्टमेंट जाके चेकिंग करता है, ये लोग जाते ही नहीं है, ऑफिसों से निकलते ही नहीं है, ऑफिस में तनख्वाह लेते हैं और शाम को घर में पैसा लेते हैं। और तीसरी चीज़ है जो सबसे बड़ी कमी है, आप एक 50,000 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदते हो तो पूरी की पूरी एक बुकलेट मिलती है, ये बिल्डर लोग क्यों नहीं करते हैं? कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है। सब कुछ मिला था आप लोगों को। देवेंद्र जी है, विक्टिम खुद भी हैं और इनके साथ तमाम तरह के विक्टिम्स को ये आज यहाँ पर लेकर आए हैं। ये जिस तरह की बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब कुछ हुआ, ये सब फिजूल बातें हैं। ये जो अधिकारी हैं, ये सब मिले हुए हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है। मेरे साथ एक ये जो पीड़ित हैं, इनका मकान इनके पास में बना हुआ था 1 मंजिल, और 12 साल से इतने गरीब हैं कि इन पर आज तक प्लास्टर नहीं हुआ, और वो जब बिल्डिंग गिरी है तो उनका आधा मकान पूरा उसके नीचे आ गया। बच्चे उनके 11 सदस्यों का परिवार है, मुश्किल खा के उनकी जान बची है, जैसे तैसे उनको वहां से निकाला है। 3 दिन से भूखे हैं, आज तक रोटी नहीं मिली है। प्रशासन ने आज तक उनकी कोई सुध ली हो तो मुझे बता दें। यहाँ पुलिस भी है, NDRF भी है, DM भी आ रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अपना रेस्क्यू चला रहा है। पिछली सरकार ने लोगों के साथ मिलके, व्यापारियों के साथ, किस तरीके के वो व्यापारी थे जिन्होंने ये 5-5 मंजिला इमारत बनाई? कब तक सर, हम आज की सरकार पिछली सरकार पे जाएगी? पिछली सरकार आज की सरकार की सरकार के ऊपर जाएगी? मनोज नागा जी किसान नेता हैं और साथ ही प्रियंका राणा सोशल एक्टर। सर, कब तक? मजदूर हो या किसान हो, इस देश में कोई कुछ हैसियत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारी रजिस्ट्रियाँ होती हैं तो 2% का स्टाम्प शुल्क लिया जाता है, वो विकास शुल्क होता है। ये सभी सरकारें, इससे पहले की सरकारें, अब की सरकारें, उस पैसे का क्या करती हैं? चलो बिल्डिंग बना दी है, शासन और प्रशासन की पूरा इसमें खेल है, ये पैसे का खेल है, और हम इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। और जो बसा दी गई उनको सुविधा सरकार दे और प्रशासन दे। देगी सरकार? आप ये देखिए ना, सरकार कैसे देगी? अभी 12 जुलाई को इन्होंने इसको अवैध घोषित करके इसको डिमोलाइज करने के लिए बात कही गई थी बिल्डिंग को, लेकिन आज जो कल 22 तारीख को ये बिल्डिंग गिर गई अपने आप। अभी तक सरकार क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? करप्शन की रूट्स इतनी ज्यादा गहरी हैं कि सब लोग इतना ज्यादा करप्ट हो चुके हैं पैसा लेकर के, ना अधिकारी काम करते हैं ना सरकार काम करती है। सरकार भी इन लोगों से वोट लेती है, इन्हीं को मरने के लिए छोड़ देती है। इनके आंसू की आज कोई कीमत नहीं है। आज आपकी बात सुन रहे हैं, आज आप बताइए कब कब आप लोगों ने शिकायत की, जब किसी ने नहीं सुना, क्या क्या धोखा हुआ आप लोगों के साथ? घनश्याम फार्म में गए, वहाँ भी नहीं सुनाई हुई थी, वहाँ भी ऐसे ही चले। कृष्ण प्रधान के गए, वहाँ भी सुनाई नहीं हुई। कई बार सतीश ने नहीं सुनाई करी, कोई नहीं सुनाई करता है। हमारे मकान का है आपका, हमारे मकान है, मकान में पानी भर रहा है, जड़ में पानी भर रहा है, नाली खरंजों जो बिल्डिंग गिरी है इसके पास ही है, खरंजा नहीं बन रहा। लड़ाई होती है आए दिन नाली खरंजों के पीछे, क्योंकि घर में भर जावा है पानी। तो क्या घटना है? उस दिन जब बिल्डिंग वहाँ पे गिरी तो आप लोगों को कैसे पता चला कि क्या हुआ? क्या आपको पहले से लग रहा था कि बिल्डिंग गिर सकती है? हमारा भी घर गिर जाता, हमारे मकान सारे मकान। आप सबको कंपन महसूस हुई थी कल? उठ गया एकदम, घर में धुआं उठ गया एकदम। बात बताइए, जब वो इमारत जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, किसी को ऐसा लग रहा था देख के कि गिरेगी? नहीं, पहले से एक दो दिन पहले से लगना शुरू हुआ था कि गिर सकती है? बिल्कुल ना लग रही, ऐसे नहीं लग रही थी। बिल्डिंग के कॉलम फट चुके थे सुबह से ही, सुबह में ही बिल्डर ने लेबर को जबरदस्ती लगाया था कि उसकी टीप करने के लिए कॉलर जो कॉलम थे वो दीवार बैठ गई थी नीचे उसकी, और बिल्डर ने उसको रिपेयरिंग करने के लिए लेबर भी लगाया था। लेबर ने मना भी किया था कि जी हम नहीं करेंगे, उसको जबर धमकी भी दिया। मतलब लेबर को एहसास हो गया था कि कुछ भी हो सकता है। सुबह 9 बजे जान जोखिम में डालकर 8:30-9 बजे सुबह। देखिए बिल्डरों की दादागिरी देख लीजिए सर, बिल्डरों की दादागिरी देख लीजिए। वो कह रहे लेबर ने मना कर दिया था वहाँ पर काम करने से, उनको धमकी देकर
से काम कराया गया जानबूझ के और उसको वहाँ पर दबा दिया गया। ये तो औकात है यहाँ पर इस देश में किसी मजदूर के। बिल्डर वही हैं जो पिछले प्रशासन से लगातार यहाँ बिल्डिंग बनती चली आ रही है, लगातार यहाँ पे बिल्डिंग बनती चली आ रही है। मेरा एक सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल है, जो बीजेपी के खड़े हैं चाहे सपा के खड़े हैं, एक बात बताइए, अगर ये बिल्डिंग अवैध है तो शासन प्रशासन इनकी रजिस्ट्री क्यों करता है? क्यों करता है? क्यों करता है? क्यों की थी? क्यों की थी? देखिए, जब भी रजिस्ट्री हुई होगी नियमों के मुताबिक हुई होगी। नियम के नियम के मुताबिक खुद ही बता रहा है, पूरा इलीगल है। कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन नियमों के खिलाफ। 800 फ्लैट है जिनमें से 600 में लोग रह रहे हैं। अब आप यहाँ पर इनको डिमोलिश करेंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? पहले तो रजिस्ट्री करा के दे दी उनको। मुझे एक चीज बताइए, सरकार की संवेदनशीलहीनता तो यही दिखती है कि कहीं दो मरे हुए दिखते हैं, कहीं पांच मरे हुए, तो पता चले कितने लोग मरे हैं। और पीड़ितों के लिए सरकार क्या कर रही है और यहाँ के लिए क्या रेस्क्यू करेगी, या केवल दिखाने के लिए? मेरा कहना ये है सरकार और प्रशासन से कि आम जो जनता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें 5% शुल्क होता है, शहरी क्षेत्र मान के 7% शुल्क लिया जाता है। 2% शुल्क इसीलिए लिया जाता है कि वह पानी की सुविधा देंगे, रोड की सुविधा देंगे, नाले की सुविधा देंगे, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? कहाँ जाता है वो पैसा? कहाँ जाता होगा वो पैसा जिसकी बात कर रहे हैं? नहीं देखिए, ये जो बिल्डरों की लॉबी है और गवर्नमेंट और प्रशासन, इन तीनों का नेक्सस है। आप ये देखिए, आज बीजेपी जीती तो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तरफ के जो बिल्डर थे वो अब बीजेपी की तरफ आ गए, कल समाजवादी पार्टी जीतेगी तो वो उनकी तरफ आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पैसा सबको बनाना है और पैसा बनता है क्वालिटी नॉर्म से समझौता करके, इसीलिए ऐसी बिल्डिंगें गिरती हैं। आप कहीं पे भी, मैंने बोला, एक 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदते हो तो आपको पूरा क्वालिटी मैनुअल मिलता है। कंज्यूमर अवेयरनेस की भी जरूरत है। ये प्रावधान होना चाहिए कि बिल्डर शुरू से लेकर अंत में एंट्री तब तक न मिले कंज्यूमर को जब तक कि पूरा एक क्वालिटी नॉर्म न दे कि हमने आपका फ्लैट बनाया है, कितनी लाइफ है, सरिया कितने का लगा है, क्या लगा है। यही पे सारे लोग समझौता करते हैं, डिपार्टमेंट भी। लोगों को नहीं पता चलता ना, आपको बताइए कितने 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 पैसे में घर मिला? बोला है ना कि क्वालिटी नॉर्म, एक कंज्यूमर कितने की रजिस्ट्री हुई आपकी, कितने में आपको पैसा? बिल्डिंग गिर गई है उसके बारे में सब इकट्ठा हो रहे हैं, और जो गिरने वाली है उसका क्या है उसके बारे में भी तो देखो। उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कितने, आप बताइए कितने में घर खरीदा था? 24 लाख में घर खरीदा है। 24 लाख में घर का सपना दिखा दे, कितने कितना कितना BHK घर आप कितने कम? 3 BHK। अब बताइए 3 BHK कहाँ मिलेगा 24 लाख में? नहीं, तो आप लोगों को नहीं लगता जब आप लोग घर, एक सेकंड, आप लोगों को नहीं लगता जब आप लोग घर खरीदने जाते भैया 24 लाख में 3 BHK दे रहे, कहीं तो ये लोग हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? आपने क्या क्या किया? आपको तो लगा 24 लाख में घर मिल गया, बहुत अच्छी बात है, हमारा लोन भी पास हो गया, कुछ कराते हैं, फिर आवेद हो जाता है। पास कैसे हो जाता है? पास कैसे हो जाता है? भाजपा के शासन में हर अधिकारी को हर तरीके से उस पर भाजपा मत कीजिए, पहले बताइए पास कैसे स्थानीय है? मैं स्थानीय नागरिक होने के नाते स्थानीय नागरिक से क्या करेंगे? स्थानीय नागरिक बचा लेता क्या बिल्डिंग को ये देने से? ये भी तो स्थानीय है। तो किसी को, वो भूखे लोग बैठे हैं जिनका मकान टूट गया, उनके लिए प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा, वो घर पे भूखे हैं। पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पूरी तरीके से रेस्क्यू के लिए नहीं बुलाया आपको। सब अपने अपनी आवाज लेके बैठे हैं क्योंकि हमारे नंबर बने, हमारे नंबर बने। उन मजदूरों का क्या होगा जिनके बच्चे हैं भूखे हैं, जिनके पति, उनकी माँ को देखो, हमने खुद भी हैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा अब भी आ रहा है कैमरा के सामने, सभी आ चुके थे। 337 के पास मेरे फोन भी पहुँच गया था। ये बताइए, हम लोग तो अपना सुरक्षित, हम तो अलग चले जाएंगे तो 5-6 लाख में या 10 लाख में फिर प्लॉट खरीद लेंगे। उन मजदूरों की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? सब अपनी अपनी आवाज क्यों लिए हुए हो ये बताइए। अगर वो मर गए हैं, अगर जिनकी माँ मर गई है, उन बच्चों का क्या होगा? उनको क्या प्रशासन नौकरी देगी? क्या पलेगी? कोई सोचता है? साक्षी, आप ये देखिए कि इनका मनोबल कितना बढ़ चुका है, आप बिल्डर्स का, कंस्ट्रक्शन का, कि मना करने के बाद, अवैध घोषित करने के बाद तब भी उसको जबरदस्ती बनवाया जा रहा था, उसको रोका नहीं गया। और प्रशासन क्या कर रहा था इस चीज में? जब इतनी बार 3 बार पूछती हूँ तो वो भाजपा भाजपा करने लगते हैं। सर, हमें भाजपा नहीं चाहिए, हमको ये पूछना है कि आपकी सरकार थी, आप एक बात बताइए, पहले आप इंतजार करते हैं कि पहले वहाँ पे बिल्डिंग गिरे, फिर हम कहेंगे कि देखिए हम लोग तो रेस्क्यू कर रहे हैं। अरे रेस्क्यू करना काम है आपका, एहसान थोड़ी कर रहे हमारे ऊपर। प्रिवेंटिव मेथड क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? आप हमें बचाएंगे तो वो आप काम करके काम करेंगे, रेस्क्यू करना आपका, हमारे पर एहसान नहीं कर सके। कोई कोई किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा, पूरी तरीके से जो रेस्क्यू 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 खिला रहे हैं, जो
रेस्क्यू करना आपकी जिम्मेदारी है। जो सरकार का जो अधिकारियों का काम है यहाँ पर होना इस समय, कौन कौन करेगा सर? सरकार किसकी है? मैं समाजवादी पार्टी से पूछती, डेढ़ साल से तो आपकी सरकार है। से शासन प्रशासन पूरी तरीके से जागरूक है? प्रशासन कोई जागरूक नहीं है। क्या जागरूक इतना था कि 3-5 मंजिला बिल्डिंग बन रही थी, आपको नजर नहीं आ रहा था? बिल्डिंग कोई आज से नहीं बन रही थी, क्यों नहीं दिखाई दिया डेढ़ साल से आपको? देखिए किस तरीके से सारे अधिकारी और सर आज जो आपके भी मिले हुए थे, निर्माण के भी मिले हुए थे, जिम्मेदारी तो मिले हुए थे पूरे। जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है नहीं है? वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है नहीं है? नंबर एक उनकी जिम्मेदारी सिर्फ रेस्क्यू करना है, बचाना नहीं है। वो तब से रेस्क्यू ऑपरेशन की आवाज दुहाई दे रहे हैं। सारे सरकार एक जैसे ही है, सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सावेरी में और यहाँ मिसलगढ़ी में, और 23 बिल्डिंग गिरने की और एक सूचना दी गई है। मतलब मजदूर जो मरा उसकी जान की कोई कीमत नहीं है? 2 लाख रुपए में क्या हो जाएगा? वो तो गरीब मजदूर था, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो लोग उसमें दबे, उसके साथ साथ जो दूसरे गरीब आदमी का मकान है वो दबे हुए हैं। अब आपके ऊपर भी आ रहा है सवाल। आप लोगों ने अपने सामने इन सबको रजिस्टर होने दिया, कैसे? मतलब कैसे आप लोगों के सामने ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई जो कि एक बारिश नहीं झेल पाई है? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो भी काम हुआ है वो नियमों के मुताबिक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बनाए गए नियम के मुताबिक नहीं हुआ। एक होता है कि नियम क्या सही है और जबरदस्ती बिल्डरों को खुश करने के नियम बना दिए जाए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कह रहे हैं कि लोगों को दोष, जो लोग दोषी है उन्हें सजा दी जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार जो सत्ता में बैठी है उन लोगों की जवाबदेही क्या कहती है? जवाबदेही ठीक है, आप पहले देख लीजिए ये सारे जितने फ्लैट खड़े हैं ना, ये 3 साल से खड़े हैं, ये आप लोग की सरकार के समय से खड़े हुए। हमारी सरकार ने जो काम किया वो नियमों के मुताबिक। चलो चलो ठीक है, लोगों से पूछ लेते हैं। भाई समाजवादी पार्टी कह रही है हमारे समय का जितने भी ये मकान खड़े हैं वो सब नियम के मुताबिक है, ये सब भाजपा के समय का है। क्या आपको सबका पानी का विकास ना हो रहा? पानी नहीं निकलेगा तो कहाँ से वो होएगा बताओ? लोकल बनाओ, पानी नहीं आ रहा है, कह रहे पानी ही नहीं आता, तो फिर कहाँ से बताइए आपने सही काम किया? यदि कागजी आंकड़े गिना दूं वर्तमान समय, पानी की निकासी नहीं है यहाँ पर, पानी की निकासी नहीं है, मच्छरों का गोदाम लग जाता है। मैं यदि मैडम जी, माननीय सांसद वीके जी अभी आए थे पिछले महीने, वो इतना करोड़ देंगे, उतना करोड़ देंगे, पता नहीं कितना करोड़ देंगे। ना तो प्रधान कुछ कर रहा, ना ही सांसद कुछ कर रहे, और जितने भी खड़े चोर खड़े हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। क्या एक आदमी की कीमत 2 लाख रुपए है? जिसके बच्चे का मकान टूट गया, कल से रास्ते भूखे पड़े, वो पड़ोसी उनका ध्यान रख रहे हैं, कहाँ मीडिया, कहाँ शासन, कहाँ प्रशासन? इनकी यहाँ से लेकर वहाँ तक आप सड़क देखो, इतने इतने पानी में निकलते बच्चे स्कूल के गिरते हैं, उनकी ड्रेस खराब होती है। आज इन्हें सब याद आ रहे हैं, गरीब याद आ रहा? ये बिल्डिंग में बैठे बने हुए ये 1 के 20 कमा रहे हैं, गरीब क्या कमा रहा? 2 रुपए। इंतजार किया, पैसा बहुत है, एक सेकंड, पैसा बहुत है से आ रही है। क्या 3 साल में देखा कितने गड्ढे और पानी है? लोग कैसे आते हैं रोज यहाँ बरसात में, पैरों में नंगे पैर कीचड़ भर जाती है। मूलभूत सुविधा की आप देंगे नहीं और सारे अवैध निर्माण करा देंगे तो जिम्मेदारी किसकी होगी? बात यह है कि पैसा बहुत है, मरने का इंतजार किया जाता है ताकि मुआवजा आसानी से दे दे। 2 लाख रुपए एक आदमी की जान की कीमत। मैं देखूं कुछ चीजों को पैसे से नहीं तोला जा सकता है, लाइफ जो है एक ऐसी है, पैसे से उससे कोई कीमत नहीं है। सवाल यहाँ पे है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अवैध निर्माण करवाना और फिर उसको वैध डिक्लेयर कर देना, ये वोट बैंक की राजनीति हो गई है। कोई भी नेता आकर के यहाँ नहीं बोलेगा कि ये अवैध निर्माण है तो हम डिमोलिश करेंगे, ये करेंगे। क्वेश्चन ये है कि जो क्वालिटी नॉर्म है, स्काई स्क्रैपर बनाना बड़ा टेक्निकल चीज है, वहीं पे ये समझौता करते हैं और ऐसे हादसे होते हैं क्योंकि सबको पैसे पहुंच जाते हैं। अब आप लोगों की फाइनल डिमांड क्या है? एक तो जो बिल्डिंग गिरनी थी, एक सेकंड सुन लीजिए, एक तो जो बिल्डिंग गिरनी थी वो तो गिर गई है, अब उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? जो और गिरने वाली है उनके लिए क्या डिमांड है आपकी कि क्या चीजें ठीक होनी चाहिए? पानी का निकास होना चाहिए, एक एक करके पानी का निकास होना चाहिए, सीवर बनने चाहिए और पक्की रोड बननी चाहिए, ये सब होना चाहिए। यहाँ यहाँ पानी का निकास नहीं है, सीवर नहीं है, पक्की रोड नहीं है और कह रहे हैं बिल्कुल सही तरह से घर बना रखे हैं। वेद शुक्ला हमारे संवाददाता दिन भर से यहाँ पर है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से घरों घरों में जाकर देख कर रहे हैं। वेद, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने बताया था मुझे कि घरों की हालत ऐसी है कि लग रहा है कि अभी के अभी गिर जाएगा। देखिए पहली बात तो ये कि आसपास का पूरा इलाका मैंने देखा, आप पैदल इस इलाके में आ नहीं सकते, घुटने घुटने तक पानी है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी कहीं नहीं है।
2014 में पीछे इमारत बनी, दो इमारत बनी 2014 में, उसकी इमारत की दीवार को जब मैंने टच किया तो महज इस उंगली से ही उसकी सीमेंट झड़ गई, कई जगह दरारें हैं। तो जो आरोप लगा और उसमें लोग रह रहे हैं, लोग उसमें रह रहे हैं, हमारे जो नेता आरोप लगा रहे हैं कि इसकी सरकार थी, उसकी सरकार थी, सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन बिल्डरों ने क्यों धोखा किया, ये सबसे बड़ी बात है लोगों के साथ। बिल्कुल, लोग उन घरों में रह रहे हैं जिनकी बात वेद इस वक्त बता रहे हैं, सोचिए दहशत में जी रहे हैं, कब उनका आशियाना कब्रिस्तान बन जाए। और सरकार इधर, सरकार उसकी, सरकार हमारी नहीं, हमने ये किया, ये अगर होता रहेगा जैसे इमारत गिरी वैसे सरकार भी गिर जाएगी। इसलिए सबको करना पड़ेगा अपना अपना काम। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उम्मीद मैं करती हूँ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आगे अगर काम होगा, जो इनकी मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी, सीवर लाइन यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर अगर पक्की सड़क नहीं बनेगी, पानी का निकास नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे घरों को बनाने का, एक एक करके सारी की सारी बिल्डिंग गिर जाएगी। और ये सब लोग हो सकता है आज हमारे साथ खड़े हैं, कल को ये हमारे साथ खड़े होने लायक ना रहे, ऐसा मत कीजिए, इनके घरों को कब्रिस्तान मत बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यार कहीं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबरों के साथ, देखते रहिए न्यूज 24।